15 दिसंबर के ईश्वरी वरदान में आप सबका स्वागत है। परमात्मा हमें दिखाते हैं रास्ता कि कैसे हम सबको सुख दें, सुख बोलें, हैप्पीनेस बोलें। तो परमात्मा चाहते हैं कि जो वो हमें सुख देते हैं, अब ये सुख कौन सा वाला है? आप किसी को अगर कुछ खरीद के दे देते हो शारीरिक सुख के लिए, वो अलग चीज़ है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आत्मिक सुख की। आज इंसान के पास में सुख की चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसका अगर मन और उसकी बुद्धि अगर सुखी नहीं है तो वो आराम की चीजें, वो सुख की चीजें कोई काम की नहीं होती हैं। इसलिए परमात्मा हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे कि हम सुखी हो जाते हैं और हम हर क्षण हर किसी को सुख दे पाते हैं। हमारे अंदर वो ताकत आ जाती है, हमारे अंदर वो क्षमता आ जाती है कि हम किसी के कड़वे वचन, किसी के बुरे वचनों को भी हम पी लेते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि आपने विष पीने की आदत बना ली है क्या, वो आपको इतनी गलत चीजें बोल के चला गया लेकिन फिर भी आपने कुछ उसको कहा नहीं। तो विष पीना और उसको कंट कर लेना, ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसको करना कैसे, उसके लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत होती है जो कि परमपिता परमात्मा हमें ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी स्वामी देते हैं। हर दिन हम सुनते हैं ख्याल से उन चीज़ों को और जितना हो सके उन चीज़ को अपने जीवन में धारण करते हैं, क्योंकि हर सिचुएशन जो है वो परमात्मा उसके पहले ही हमें तैयार कर देते हैं। आप भी ये अनुभव कर सकते हैं अगर आप ये 7 डेज का कोर्स करें। तो चलें परमात्मा कहते हैं, देखें परमात्मा कहते हैं, सुख स्वरूप बन सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भवा। पहले खुद बनना है सुख स्वरूप, फिर और को देना है। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं। संगम युग ऐसा युग जहां पे परमात्मा हमें सारे राज खोल देते हैं कि पास्ट में क्या क्या हुआ, पिछले जन्मों की बात भी, अभी क्या करना है और अगले जन्म में क्या क्या होने वाला है और ये नर्क खत्म होकर के स्वर्ग कब बनने वाला है, इसका सारा जब राज बता देते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, फ्यूचर में परिवर्तन कैसे होगा, कलयुग खत्म होकर के सत्य कैसे बनेगा, तो उसके हिसाब से हम पहले से ही इमोशनली मेंटली भावनाओं के हिसाब से भी और मानसिकता के हिसाब से भी हम तैयार हो जाते हैं कि ये सारी चीजें आने वाली हैं, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी खुलासा हो गया, जिसको कहते हैं रेवलेशंस। ये रेवलेशंस का चैप्टर आपके बाइबल में भी है और अंतिम समय के बारे में कुरान में भी लिखा हुआ है और गुरु ग्रंथ साहिब में भी या उसकी ही किसी किताब में लिखा हुआ है कि अंत में आपके कोसों कोसो दिए होंगे। परमात्मा ने भी कहा है ब्रह्म कुमारी में कि कोसों कोसों दिए मिलेंगे आपको। तो ये सारी चीजें जब हमें पता चल गई हैं तो उसके हिसाब से हमने अपनी तैयारी कर लेनी है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप है वह स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं? जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप है, खुद ही सुख स्वरूप है, उनको पता है कि कैसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे सोचना है, कैसे बोलना है। तो ऑटोमेटिकली जब हम उस शक्ति के साथ में भर चुके हैं, उस ज्ञान की शक्ति के साथ में, जैसे कि हमें कोई असर नहीं पड़ता इतना, तो फिर ऑटोमेटिकली हम औरों को भी क्या देंगे? कोई आपको दुख देके जाएगा तो आप उसको सुख दे पाएंगे या एटलीस्ट न्यूट्रल तो हो जाएंगे स्टार्टिंग में। फिर परमात्मा कहते हैं बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया। जो दुख धाम है, कल को दुख धाम कहा जाता है, इससे हमने किनारा कर लिया। हाँ, दुनिया में बहुत दुख है चारों तरफ, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, है ना, चाहे संबंधों में हो, चाहे धन में हो, बहुत दुख है चारों तरफ। लेकिन परमात्मा कहते हैं आपने तो किनारा कर लिया, जब आपकी इच्छाएं सारी पुरानी दुनिया से कम हो गई हैं तो आपको दुख नहीं हो सकता। वह स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं, खुद भी सुख स्वरूप, उनके पास में सहन शक्ति होती है, सामना करने की शक्ति होती है और फिर निर्णय करने की शक्ति, और को भी सुख दे पाते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को, परमात्मा हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य है। सन शोज फादर एंड फादर शोज सन। जो पिता के गुण होते हैं वो बच्चे में आ जाते हैं और पिता को आजकल बच्चों से पहचाना जाता है। अच्छा है, आप उनके बेटे हैं क्या, या तो ये कहा जाता है या फिर पिता को कहा जाता है कि ये आपका बच्चा है क्या। तो इसका मतलब दोनों के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो मैच कर रही हैं, इसलिए पहचान बन जाती है।
कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते। आपका स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। तो दुख कैसे कैसे दे सकते हैं? संकल्पों से, बोल से, कर्मों से, धन के मामले में, तन के मामले में, रिश्तों के मामले में, आध्यात्म के मामले में, सेहत के मामले में, ये सारी चीजों पे कोई भी किसी को दुख दे सकता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं जब आप किसी से आपको दुख मिलता है या आप किसी से दुख की स्वीकृति नहीं करते हो तो आप किसी को दुख दोगे कैसे? वो दुख नहीं है। आपको महसूस होता है कि दूसरी आत्माएं देह अहंकार के वश में आकर के वो बर्ताव करती हैं, एक्ट करती हैं, जो कि एक बचपना है, खेल है, उसको विजडम नहीं कहेंगे। तो जो आत्मा इन चीज़ों से पार हो जाती है उसको दुख नहीं होता, उसको बचपना लगता है इन सारी चीज़ों का। ये कैसे पॉसिबल है ये आप सीख सकते हैं आके ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में। इसके साथ ओम शांति।